Today I am going to discuss about linear data structure and nonlinear data structure. देखिए जो data elements जो होते हैं जो organized manner में होते हैं उनको linear data structure कहा जाता है. इसके अंदर हमारे पास जो data elements होते हैं वो link होते हैं दूसरे जो data elements होते हैं. इसमें हम pointer का use करते हैं. इसको implement करना आसान है. जो linear data structure अगर आपने बनाना है, अगर आपने एक data structure आपने कोई भी बनाने की सोची है तो आप इजीली बना सकते हो लीनियर वाला. हाँ, नॉन लीनियर में बनाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम बनाते हैं. तो डाटा एलिमेंट्स जो होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो होते हैं, उनको ट्रांसफर्स किया जाता है आफ्टर द अदर. बट इसके अंदर आप ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं जब क्या कर रहे हो, आप रन कर रहे हो. एक को रन कर रहे हो तो आप दूसरे को ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं. इसके अंदर जैसे हमारे पास आ जाती हैं, कौन कौन से होते हैं लीनियर के अंदर, कौन कौन से आते हैं, एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक है, क्यू है, ये सभी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं. और ट्री है, ग्राफ है, ये सभी आ जाते हैं नॉन लीनियर के अंदर. तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके लिए. थैंक यू.